दोस्तों, धूप, धूल और मिट्टी का चेहरे पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसे में स्किन की देखरेख करना जरूरी होता है। कॉफी घर की एक ऐसी ही सामग्री है जिसे आप चेहरे पर बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को दूर करती है। इसके अलावा एजिंग को भी कम करने में कॉफी काफी असरदार होता है। कॉफी चेहरे के दाग धब्बे हटाने में भी काफी मदद करती है और स्किन को निखारती भी है, जिससे चेहरे पर बेदाग चमक नजर आने लगती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉफी किन किन तरीकों से चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक्ने और पिंपल को दूर करने के लिए आप कॉफी फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फेस पैक बनाने के लिए 3 चम्मच कॉफी का पाउडर, 1 चम्मच बेसन, 3 चम्मच शहद और 2 चम्मच एलोवेरा जेल का जरूरत पड़ेगा। इसको बनाने के लिए इन सभी को मिक्स करके एक पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाए रखे। उसके बाद साफ पानी से चेहरे को धो ले। इससे चेहरे पर निखार दिखने लगेगा। दोस्तों, आप चेहरे पर कॉफी और हल्दी फेस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर इस फेस पैक को घर पर ही बनाकर बेहद आसानी से लगाया जा सकता है। 1 कप कॉफी पाउडर में 1.5 चम्मच कच्चा दूध मिला ले। इसमें चुटकी भर हल्दी भी मिलाए और आपका फेस पैक तैयार हो जाएगा। इस फेस पैक की पतली परत अपने चेहरे पर लगाए और 10 से 15 मिनट तक लगाए रखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो ले। कॉफी और नींबू का फेस पैक। दोस्तों, विटामिन सी वाले इस फेस पैक से स्किन सूरज की हानिकारक किरणों से बचती है। इस फेस पैक को लगाने पर स्किन को नमी मिलती है और स्किन से दाग धब्बे छूटते हैं और चेहरे पर निखार आता है। नींबू के रस और कॉफी को मिलाकर फेस पैक बनाने के लिए दोनों ही चीजों को बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर ले। इस फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक रखें, फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो ले। इस फेस पैक को लगाने से आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा और साथ ही धूप की हानिकारक किरणों से भी आपके चेहरे को बचाएगा। तो दोस्तों, ये था चेहरे को निखारने और बेदाग बनाने के लिए कॉफी का फेस पैक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।